ये जी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो हम चिलर की रीडिंग लेते हैं ना, वो फार्मेड है, जो वो कैसे मतलब के वो फार्मेड है, ठीक है, हम चिलर की रीडिंग कैसे लेते हैं, और ये बनाना अच्छा है कि रिकॉर्ड में सेव रहता है, महफूज रहता है, और इससे ये हमको पता चल जाता है एक ही पेपर के ऊपर कि हमारा जो चिलर है वो किस पैरामीटर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। हर सिस्टम का अलग अलग है। ये हमारा चिलर है YCIV, ठीक है, योर का चिलर है। यहाँ पे मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे और चिलर भाई कौन सा चिलर है, सिस्टम वन, सिस्टम टू और सिस्टम थ्री, हमारे पास ये तीन सिस्टम है, ठीक है। ये एबिनेट टेम्परेचर है, ये सेक्शन का है जी, प्रेशर ये डिस्चार्ज प्रेशर है, और ये ऑयल प्रेशर है, ये ऑयल टेम्परेचर है, ये सेक्शन टेम्परेचर है, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर है, ये सेक्शन सुपर हीट है, और ये सेक्शन टेम्परेचर, ठीक है जी, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर, डिस्चार्ज सुपर हीट, ये सेक्शन सुपर हीट है, ठीक है जी, सेक्शन टेम्परेचर है, ठीक है जी, सेक्शन टेम्परेचर का है, ये मोटर का है, ठीक है जी, टेम्परेचर T1, T2 और T3, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये कंप्रेसर की स्पीड है भाई, कितने चल रहा है, 58 पे, 100 पे, कितनी स्पीड पे चल रहा है। ये सोलोनेट वाल है, ये सॉरी यस सोलोनेट वाल है, ऑन है या ऑफ है, ये फ्लश टैंक का लेवल है, ये फीड वाल कितने परसेंट पे है, ड्रेन वाल कितने परसेंट पे है, ये कंडेंसर फैन कितने चल रहे हैं, हर सिस्टम के अलग अलग है, ठीक है। और ये लिविंग टेम्परेचर है, ये इंटरिंग टेम्परेचर है, ये इसका चिलर का सेट पॉइंट है, ठीक है जी, टेम्परेचर सेट पॉइंट टेम्परेचर है, ये जो हमारा पानी का टेम्परेचर है उसके ऊपर ये गेज लगी थी, उसका ये प्रेशर टेम्परेचर है, ठीक है जी, उसके ऊपर लगे हुए हैं थर्मामीटर हमारे, और ये कमांड, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हमारा जो चिलर है वो कितनी स्पीड पर, कितनी हर्ट्ज़ पे चल रहा है, ठीक है जी। ये कंप्रेसर वन और कंप्रेसर टू है, और ये ठीक है, कंप्रेसर वन इसकी ये है जी करंट का है, ठीक है जी, कितने एम्पीयर ले रहा है। ये जो है कंप्रेसर का है, ये FLA फुल लोड पे कितने परसेंट पे है, फुल लोड पे, ठीक है जी, ये एम्पीयर है, ये फुल लोड पे, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है उसके, और ये भी ये बस DC बस वोल्टेज है, और ये जो है हमारा पैनल इंटरनल टेम्परेचर है, ठीक है जी। ये VSD IGBT का T1 T2, ये जो है मोटर का है, ये प्रोसीजर्स और ये मोटर का है, ठीक है। ये मोटर ओवरलोड जो हम एम्पीयर चेक करते हैं उसके ऊपर लिखा होगा कि हमारा सिस्टम वन के कितने पे ओवरलोड है, टू का कितने पे है, या थ्री का कितने पे है। यहाँ पे जो आपने रिमार्क्स देने हैं, ठीक है, ये नेम है जिसने रीडिंग ली है, ये टाइम और ये सिग्नेचर, तो इसकी मैं रीडिंग जो है ना आपको वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में।